वसई विरार में बिजली चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर नालासोपारा पूर्व के पुलिस स्टेशन में भी कई मामले दर्ज हुए हैं। तो वही लॉकडाउन के समय में बिजली बिल में काफी बढ़ोतरी के कारण गुस्साई जनता ने कई बार आंदोलन भी किया है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि अब हर घर में होगा डिजिटल मीटर, तो जिससे ना तो होगा चोरी का डर और ना ही घर में बिल ज्यादा आने की समस्या। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 के नए नियमों के बारे में। अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनी आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स का विकल्प देंगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने कंज्यूमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर खुद से लगवा सकेंगे या फिर डिस्कॉम के जरिए ले सकेंगे। उपभोक्ताओं पर डिस्कॉम से बिजली लेने का दबाव नहीं होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को खुद ही बिल डिटेल्स भेजने का विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनी ने मोटे बिल भेजे थे। ड्राफ्ट कंज्यूमर राइट्स 2020 में ऊर्जा मंत्री ने यह प्रावधान लिया है। बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलेंगी, यानी कि अगर किसी कंज्यूमर को बिल अगर 7 दिन के देरी से आता है तो कंज्यूमर को बिल में 2 या 5% तक की छूट मिलेगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका बिल 1000 से ज़्यादा आता है तो बिल का पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। बिजली कनेक्शन काटने या दोबारा लेने, फीचर्स बदलने या पेमेंट को लेकर अब नियम आसान किए जाएंगे। लोगों के लिए 24/7 टोल फ्री सेक्टर होगा। सरकार के मुताबिक नए कनेक्शन लेने, पुराने कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि सेवाओं में किसी भी तरह का बदलाव, जैसे कि नाम बदलना हो, मीटर बदलना हो, इस तरह के सभी काम इसी ऐप के जरिए किए जा सकेंगे। एंटी करप्शन न्यूज के लिए प्रज्ञा वाघमारे के साथ विशाल गुप्ता, मुंबई।